तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा के एलएक्सआई सीएनजी वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं 2024 में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में आपको कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं और इस गाड़ी की प्राइस इस समय क्या चल रही है। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी को अगर फाइनेंस करवाएंगे तो इसमें मैं आपको दो फाइनेंस प्लान भी बताऊँगा, 7 साल की और 5 साल की। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें इस गाड़ी के इंजन की, तो इस गाड़ी में आपको 1462 सीसी का 4 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है, जिसमें आपको इसमें पावर देखने को मिलती है 86.63 bhp की 5500 rpm पर। वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो 121 Nm का टॉर्क 4200 rpm पर आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये गाड़ी 5 सीटर की सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है और 5 स्पीड का इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की, तो इसमें आपको सीएनजी में 55 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है और माइलेज की अगर बात करें तो ये गाड़ी 25.5 का माइलेज देती है प्रति किलोग्राम सीएनजी में। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस गाड़ी की न्यू प्राइस की, तो अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद सिटी से, तो इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस होगी 9,29,000 रुपये, जिसमें आपका RTO चार्ज इसी एक शोरूम प्राइस में जुड़ेगा 42,441 रुपये। वहीं अगर आप इस गाड़ी का इंश्योरेंस अगर करवाते हैं तो उसका जुड़ेगा 42,197 रुपये। और दोस्तों, इसमें आपके अदर चार्जेस लग जाएंगे 16,542 रुपये, यानी कि सभी टैक्स और चार्जेस इंक्लूड करने के बाद इस गाड़ी की टोटल ऑन रोड प्राइस निकल कर आती है अहमदाबाद सिटी की 10,30,180 रुपये। अब दोस्तों, ये प्राइस जो है तो अहमदाबाद सिटी की प्राइस है, लेकिन अगर आप इसी गाड़ी को किसी अदर सिटी से अगर ख़रीदेंगे तो इस गाड़ी की प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप इस गाड़ी को किस सिटी से ख़रीदना चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस करवा कर ख़रीदते हैं तो इसमें मैं आपको दो फाइनेंस प्लान बताऊँगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के 5 साल यानी कि 60 महीनों के लिए अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस करवाएंगे, तो इसमें अगर आप शुरुआत में कम से कम डाउन पेमेंट 3,24,000 रुपये तक अगर करते हैं, तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 9.3% लगाने पर आपका लोन अमाउंट 7,70,000 रुपये का बनेगा और इसमें आपकी हर महीने की किस्त बनेगी 16,097 रुपये की हर महीने की, और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 9,66,000 रुपये। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को इस गाड़ी का फाइनेंस 7 सालों के लिए करवाना है यानी कि 84 महीनों के लिए, तो उसमें भी अगर आप इतना ही सेम डाउन पेमेंट 3,24,000 रुपये तक अगर करते हैं, तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 9.3% लगाने पर आपका लोन अमाउंट 7,70,000 रुपये का बनेगा और इसमें आपकी हर महीने की किस्त बनेगी 12,507 रुपये की हर महीने की, और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 10,51,000 रुपये। तो दोस्तों, यही थे न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा के एलएक्सआई सीएनजी वेरिएंट के न्यू प्राइस और उसके फाइनेंस डिटेल। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।